अगर इस्लाम जब नहीं था अरबों में, अगर उस वक्त इत्तेहाद होता और इस्लाम के आने के बाद वो इत्तेहाद टूटता तो सारी जिम्मेदारी इस्लाम पर थी, लेकिन वहां से बात ही नहीं शुरू करते जहां से करनी चाहिए। जब इस्लाम आया उस वक्त अरब बिल्कुल जुदा जुदा था, घर घर बटा हुआ था। इस्लाम ने उनको इकट्ठा किया और जब इकट्ठा किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वैसी इंटेग्रेशन नहीं रही जैसे आपकी मौजूदगी में। यह है असल तस्वीर, जिसका मतलब यह है कि इंटेग्रेशन में सबसे ज्यादा रोल इस्लाम ने प्ले किया और उस रोल को जारी करने में सबसे अहम किरदार आहुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। और आपके होने और ना होने में फर्क नजर आना चाहिए था, इसलिए वो वाशी कबीले जो हजारों साल से लड़ रहे थे, जहां मुल्क अरब जजीरा नुमा अरब में अमन देखे कभी नहीं था, कभी भी कोई स्टेब्लिश गवर्नमेंट एक अरब में पैदा नहीं हुई थी, इनको चंद सालों में एक हाथ पर एक मजबूत हाथ के नीचे ले आना, ये थी गैर मामूली इस्लाम की इंटेग्रेटिंग फोर्स। लेकिन नफसियाती लिहाज से ये मुमकिन ही नहीं हुआ करता कि कौमों की फितरतें एकदम बदल जाए। इसलिए जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो पुरानी रगें फिर कुछ जागी हैं, फ्यूडलिज्म और आपस की लड़ाइयाँ वगैरह वो दबी हुई थी, मर नहीं गई थी। वो जो जिद्दोजहद की है गैर इस्लामी ताकतों ने बाद में निकलने की, उस जिद्दोजहद वो जिद्दोजहद डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स थी इंटेग्रेशन के खिलाफ, उस पर फिर इस्लाम गालिब आया है। यह है टू पर्सपेक्टिव। इस्लाम ने जो इंटेग्रेशन कायम की थी उसके खिलाफ वही ताकतें दोबारा डिसइंटीग्रेशन पैदा करने की कोशिश करने लगी जिन्होंने पहले अरब को डिसइंटीग्रेट किया हुआ था। तमाम वो फ्यूडलिज्म दोबारा बेदाग हुआ है। वो इस्लाम था जो डिसइंटीग्रेशन कर रहा था, ये फ्यूडलिज्म था जो कर रहा था। सारे हिस्टोरियंस अरब के जो गैर मुस्लिम हैं, जब उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें वो बताते हैं कि फलां दुश्मनियां बिगर की फलां कबीले से और फलां कबीले के फलां कबीले से ये बेदार होनी शुरू हो गई और कुरैश के खानदानी झगड़े दोबारा बेदार होने शुरू हुए। ये लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो जो फोर्सेस थी जिन्होंने बेदमनी पैदा की, वो खुद मानना पड़ता है उनको कि वो इस्लामिक फोर्सेस नहीं थी बल्कि एंटी इस्लामिक फोर्सेस थी। तो आंखें बंद करके एक दावा कर देना ये तो कोई अकल की बात नहीं है। सच्चाई का तकाजा, होशमंदी का तकाजा ये है कि तज्जिया करके देखा जाए कि इंटेग्रेशन में कौन जो रिस्पॉन्सिबल था और डिसइंटीग्रेशन का कौन रिस्पॉन्सिबल था। बस इस्लाम ने कहीं भी डिसइंटीग्रेशन का रोल प्ले नहीं किया। आखिरी खुतबा जो आहुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसे हजरत विदा का खुतबा कहते हैं, वो है इस्लाम, वो पैगाम था अरब को। अगर उस पैगाम के नतीजे में डिसइंटीग्रेशन हुई हो तो इस्लाम जिम्मेदार है। अगर उसे नजरअंदाज करने के नतीजे में डिसइंटीग्रेशन हुई है तो इस्लाम जिम्मेदार नहीं हो सकता बल्कि उसकी मुखालफत जिम्मेदार है। फिर बाकी इस्लाम जहां जहां फैला है उसके दो हिस्से हैं, एक है जो तबलीग के जरिए और एक है इस्लाम नहीं फैला मगर इस्लाम का सियासी नफूस फैला है। जहां जहां ये वाकया हुआ वहां इंटीग्रेशन साथ गई है। यहाँ तक के वो ईसाई ममालिक जिन पर इस्लाम का इख्तदार कब्जा हुआ, इस्लाम की सियासत का कब्जा हुआ और उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। लेकिन इस तरह इकट्ठा कर दिया गया, इस तरह उनके हकूक दिए गए कि जब मुखाना ताकतों ने मसलन ये मशरकी एम्पायर थी जो कुस्तुनतुनिया वाली ईसाई एम्पायर, उन्होंने जब दोबारा कब्जा किया है उन जगहों पर, रेले आते रहे कभी इधर से कभी उधर से, तो सारा शहर रो रहा था इस बिना पर के आदिल और इंसाफ कायम करने वाले और सोसाइटी को यकरंग करने वाले हाकिम हमसे जुदा हो रहे हैं। हालांकि उनके हम मजहब आ रहे थे और उनके बज़ाहिर मजहब के मुखालिफ उनसे जुदा हो रहे थे। तो इस्लाम ने हर जगह इंटीग्रेशन का रोल प्ले किया है। और जहाँ जब यह है स्पेन में, तो इनकी अपनी तारीखें बता रही हैं, मसलन
स्पेन की तारीखों में से लेन पोल की है और बहुत बहुत लिखने वाले हैं, जिसकी भी आप किताब उठा के देखें बोझ के ऊपर, आगाज इस बात से करते हैं कि इस्लाम आए इसलिए था कि स्पेनिश सोसाइटी और स्पेनिश सियासत डिसइंटीग्रेट हो चुकी और इस्लाम ने आकर उसको इंटीग्रेट किया और एक मुस्तकम हुकूमत की बुनियाद डाली और सारी सिविलाइजेशन सारे उलूम की नश्वोनुमा इस्लाम के इस्तेहकाम के नतीजे में पैदा हुई, जिसने इंटेग्रेशन को मुसलमानों तक महदूद नहीं रखा बल्कि सारी सोसाइटियों को इंटेग्रेट किया। ये एक और पहलू है, यहूद को ईसाइयों को मुसलमानों को सियासत में इस तरह इंटेग्रेट कर दिया कि मजहब की तफरीक के नतीजे में किसी से कोई ज्यादती नहीं होती थी, किसी को किसी हक से महरूम नहीं रखा जाता था, जॉइंटली सब ने मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया। इसीलिए स्पेन की जो तारीख है वो एहयाए-उलूम का मूजिब बन गई यूरोप में, जिसको एहयाए-उलूम की तारीख कहते हैं, जो रेनेसांस उसका आगाज़ ही स्पेन से हुआ है। तो उसने तो वहाँ भी इंटेग्रेशन की जहाँ वो हुकूमत मौजूद थी, और जहाँ हुकूमत नहीं थी वहाँ रेडिएशन के जरिए इंटेग्रेशन पहुँचाई है और सोसाइटियों को इकट्ठा करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। वाकयाती लिहाज से तो ये इल्ज़ाम इतना झूठा और बेबुनियाद है कि कोई हकीकत ही नहीं, और बगैर इस्लामी हिस्टोरियन कोट किए इनके हिस्टोरियन को कोट करके आप इनके इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर डॉक्टर पूछिए, इस्लाम में से क्या नुकसान इश्तिहार रोकने में नुकसान होता है, लेकिन इश्तिहार करने वाला अगर कोई हो तो फिर इस्लाम हो या गैर इस्लाम में हजार नुकसान होते। इश्तिहार जो अकल की नश्वोनुमा ज़हन की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर तो जामिद हो जाए ज़हन, सोचे इंसान की कैद हो जाएँ, तरक्की की सब राहें रुक जाएँ। इश्तिहार ही है जो इंसान को हर कदम आगे बढ़ाता चले जाता है वक्त के साथ, लेकिन अगर मुश्तहिद खुद बददियानत हो जाए और अपनी अपने नफ्स की खातिर इश्तिहार करना शुरू करे तो फिर इस्लाम का ताल्लुक नहीं उससे, खा साइंस में ऐसा करे, खा सियासत में ऐसा करे, खा हिंदुइज्म में करे, किसी मजहब में करे, वो नुकसान पहुँचाएगा। इश्तिहाद नहीं बल्कि टेढ़ी सोच और बदयानती की नीयतें जो हैं वो नुकसान पहुँचाती हैं। मुकम्मल चीज़ तो और बात है, हर मुकम्मल चीज़ अपने वक्त पर जब अमल करती है तो वक्त बदल रहा होता है, मुकम्मल चीज़ तो ही बदल रही होती है। अब इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो गए हैं, लेकिन इंसान उसी स्टेज पर तो नहीं है जिस स्टेज पर उस वक्त था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो मुकम्मल चीज़ हर वक्त के सांचे के साथ एक नए मसाइल को हल करने के लिए एक चैलेंज कबूल कर रही होती है, और उसी का नाम इश्तिहाद है। आपका नाम? मेरा नाम परवेज आलमगीर है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। कुछ माफ हुए तो मेरे